हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, आप सभी भाइयों को मैं दिल से गुड इवनिंग कहता हूँ। सभी दोस्तों को दिल से स्वागत करता हूँ बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम जिनका नाम है पुरानी यादें मेरे दोस्तों। जी हाँ मेरे भाइयों, सप्ताह के सातों दिन ऐसे कोई भी ऐसा दिन नहीं होता है जो आप सभी भाइयों से मैं नहीं मिल पाता। मैं सब दिन ही मिलता हूँ और आप सभी दोस्तों का हालचाल जितना भी होते हैं मैं पूछ ही लेता हूँ मेरे दोस्त कि आप लोगों की हालचाल कैसे हैं मेरे भाई। कि मेरे दोस्त, मैं यह इतना ही सोचते रहता हूँ कि आप सभी का प्यार दुलार जो भी कुछ मेरे दिल में आता है मैं उसे बांटता रहूँ। जितने भी नए नए दोस्त आते हैं उन सभी दोस्तों को मैं देता रहूँ, क्योंकि आप सभी का प्यार कुमार भूषण को जिंदाबाद कहता है और करता है, तो मैं अहम भी आप सभी दोस्तों को मैं जिंदाबाद हमेशा करता रहूं। जी हाँ मेरे दोस्त, अभी फिलहाल 10:13 हो चुका है। बहुत ऐसे दोस्त होंगे जो सो गए होंगे और जो कुमार भूषण से और रेडियो रॉक 94.2 FM से प्यार करते हैं वो अभी तत्काल में जगे होंगे, और जो अपने अदाओं से मीठी मीठी बातों से और उनकी यादों में खोए होंगे वो भी भाई मेरे जगे होंगे। कहते हैं ना मेरे दोस्तों, खुशबू तेरी प्यार की मुझको बहका जाती है, खुशबू तेरी प्यार की मुझे महका जाती है, तेरी हर बात मुझे बहका जाती है। सांस तो बहुत देर लेती है आने में, हर सांस से पहले तेरी याद आ जाती है। तो मेरे भाई क्या कहूँ, उनकी याद में इतना बसेरापन, उनकी याद में इतना टटोलापन रहता है ना मेरे दोस्तों कि सभी भाइयों को दिल महका जाता है। मैं पढ़ता हूँ, बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज आया है मेरे पास। उन मैसेज को मैं अपने दिल के एहसासों से, दिल की बातों से पढ़ता हूँ। लिखते हैं मेरे दोस्त, और क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं मेरे भाई कि मैं तेरे लिए शराब तो क्या जहर भी पी सकता हूँ, मैं तेरे लिए शराब तो क्या जहर भी पी सकता हूँ, अरमान है मेरे दिल में मर के भी जी सकता हूँ। आपका अपना आशिक सा बैरगिनिया सीतामढ़ी से, लव यू कुमार भाई, लव यू टू मेरे दोस्तों। आशिक भाई, दिल से मैं आपको प्रणाम करता हूँ और दिल से लव यू टू आप सभी दोस्तों को मैं बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। बहुत ही प्यारी सी मैसेज फिर मेरे पास आए हैं जो लिखते हैं कि हर सुबह आपका दुनिया कि हर सुबह आपका दुनिया याद में रोशनी कर दें, रब आपके गम को आपके खुशी कर दें, जब भी टूटने लगा आपके सांसें, जब भी टूटने लगी आपके सांसें, खुदा आप में शामिल मेरी जिंदगी कर दे। हाय कुमार भाई जी, कैसे हैं आप? घर पे सभी लोग कैसे हैं? मैं इतना ही बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, लेकिन अभी आप अभी तक मेरे दोस्त का नाम नहीं आ पाया है। और ये आगे लिखे हैं कि घर परिवार के लोग कैसे हैं, मैं आप सभी दोस्तों से इतना ही बता दूं। और मेरे दोस्त, मेरे घर परिवार के मम्मी पापा, मेरा छोटा भाई और मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है। और आगे लिखते हैं कि खाना खा लिए, अभी तक तो मैंने खाना सच में खा लिया हूँ। और आगे लिखते हैं ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। लेकिन मेरे दोस्त, आप जो मैसेज करते अपना नाम नहीं लिख पाते हैं, थोड़ा मेरा दिल हिचकी आ जाता है मेरे दिल में, क्योंकि जब आप लोग नाम नहीं लिख पाइएगा तो ख़राब लगता है मेरे दोस्त। इतना मीठा सा मैसेज करते हैं, कुमार भूषण को इतना चाहते हैं, लेकिन प्यारी सी आवाज़ ज़रूर लेकर आए, और कैसे, इस तरह मेरे दोस्तों, सुनिए आप लोग। जी हाँ मेरे भाई, ए सन्यासी चल मंदिर में,
अरे पागल, क्यों मुझे कुछ कहता रहता है तू बार बार? तू समझ नहीं पाता है, जो मेरा आशिक है ना, वो हमेशा मुझे घुमाने के लिए कहीं पे ले जाता है, कुछ कहने के लिए ले जाता है। तू कैसा पागल है जो मेरे दिल का बात समझ नहीं पाता है? लिखते हैं मेरे दोस्त कि ख्वाब मत मुझे, ख्वाब मत बनाओ मुझे, सच नहीं होते। ख्वाब मत बनाओ मुझे, सच नहीं होते, छाया बना लो रे पगले, जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ेंगे। दोस्त मत बनाओ, कभी झगड़ा हो जाएगा तो कभी दिल की बातें हो जाएगा, और ऐसी दिल की आवाज़ बार बार काम नहीं आती, जो तेरे दिल से कभी कभी गिर जाता है तो तुम कितना उदास हो जाती हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि तेरी उदासी मेरे दिल को पागल बना देता है, घायल बना देता है। बहुत ही प्यारा सा मैसेज मेरे पास आए हैं, जो लिखते हैं मेरे दोस्त, क्या लिखते हैं, बड़े प्यार से लिखते हैं कि आए थे मेरे मजहर पे, आए थे मेरे मजार पर दीपक जलाने के लिए, दीपक मुझा कर चले गए, ऐसे बेदर्द सनम निकले कि दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा कर चले गए। क्या बात है। आगे लिखते हैं कि हाय कुमार जी, आप कैसे हैं? आपका खाना पीना हो चुका? अभी तक खाना पीना दिल से हो चुका है। मैं रुखसार जी अक्ता मोतीपुर से। ओके बाय, गुड नाइट। चलिए रुखसार जी, आपने मैसेज किया, तहे दिल से शुक्रिया। और आपके घर द्वार पे जितना भी दोस्त होंगे सारे अच्छे हों, दुआ करता हूँ। बहुत ही प्यारा सा मैसेज फिर से आया है कि कुमार भाई, हमारे दोस्तों के लिए मस्त शायरी मार दीजिएगा, लव यू ब्रो, गुड नाइट। आपका अपना आशिक सा। चलिए आशिक दोस्त, मैं ज़रूर आपके दोस्तों के लिए कुछ कहना चाहूँगा, और यही कहना चाहूँगा कि कौन सी यादें कौन सी बातें, कौन सा राज हो आप, मेरी सांस है मेरी सोच हो आप, आँखों के पास न सही मगर दिल के बहुत ही करीब हो आप पास। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा मैसेज आ चुका है फिर से। लेकिन मेरे भाई, आप लोग मैसेज करना चाहते हैं तो बिल्कुल दिल से आप लोग करते रहिए, 8051-67-02-11 पे। फिर से एक प्यारा सा मैसेज आया है, जो लिखते हैं कि सर जी नमस्कार, क्या हाल है? दिल मोहम्मद बस बेटा मेजरगंज सीतामढ़ी बिहार से। चलिए मोहम्मद भाई, मैं आपने मैसेज किया, तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे आप हमेशा खुश रहें। सभी दोस्तों से बता दूं कि आप एक ही बार मैसेज कीजिए, क्योंकि हर दोस्त का मैसेज पढ़ना है मुझे। मेरे भाई लिखते हैं कि हेलो भाई, कैसे हैं? आज 10 का एग्जाम ड्यूटी अच्छा गया, क्या बात है। मेरा ड्यूटी 2 रोज और हाय भाई, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो जाएगा भाई, इसलिए आप लोगों को याद कर लिया। भाई कौशल सर, स्कूल टीचर सिवहर बिलैया से। चलिए कौशल जी, इतना ही दुआ करता हूँ कि आप एक सर हैं, और जब आपका मैसेज आता है तो तेरा मेरा दिल खुश हो जाता है, और जब दिल मेरा जब भी झांकता है पुरानी यादें की तरफ मेरे दोस्त, तो आप सभी भाई का याद जरूर आता है। अब जहां पर भी रहिए मुझे याद कीजिएगा, और आपको मैं ज़रूर याद करूंगा। चलिए मेरे भाई, कि कहते हैं ना कि तू जहां भी रहे मेरे दिल के पास रहे, तू जहां पर भी रहे तू मेरे दिल के पास रहे। लेकिन इतना ही कहूँगा, उस गजदारों से दिल मत मिलाना, जो अपने तो है, लेकिन नाम किसी और का लेता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत ही प्यारी सी मुस्कान भरी सॉन्ग है, जो दिल के पास तो होता है लेकिन कहीं कहीं पे वो लड़की बहक जाती है और कुछ गिरा लेती है। क्या गिरा लेती है, दिल से सुनिए। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, दोस्त हो ही जाता है ऐसा मौसम में, बार बार कभी कभी गलतियां मेरे दोस्तों।
वो इतना इटलाती है ना, वो इतना मुस्कुराती रहती है, जो कभी कभी दिल में इस तरह से वो पैंसती है, जो ऐसा लगता है कि कैंची किसी कपड़ा की काटते हो मेरे दोस्तों। इस तरह से वो बाजू से निकलती है और इतना खुश रहती है इसे मैं बता नहीं सकता। बड़े प्यार से पूछा ऊपर वाले से, मैंने पूछा रब से तुमने दुनिया को प्यार का दुश्मन क्यों बना दिया। रब ने हंस कर कहा, मैंने पूछा रब से तुमने दुनिया को प्यार का दुश्मन क्यों बना दिया। रब ने हंस कर कहा, तूने भी तो मुझे छोड़कर अपने प्यार को ही रब बना लिया। हाँ मेरे भाइयों, आज एक मोहब्बत ऐसी कभी कभी खिलखिला देती है, जो ऐसा लगता है कि मेरे दिल में एक प्यारा सा आवाज आ गया हो, और वो आवाज दिल के करीब इतना होता है कि कभी कभी प्यार की तरह वो टूटने लगता है, दिल की बात बताने लगता है। बहुत ही प्यारा सा एक मैसेज मेरे पास आया है, जो लिखते हैं कि हाय कुमार भाई, आप कैसे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। ऐसे ही मैं सीतमअरी चलिए जो कुछ लिखते हैं बड़ी आराम से लिखा कीजिए आप। मैं चलिए आपका मैसेज कुछ मेरा डिस्टर्बेंस लगा, मैसेज करने के लिए तहदिल से शुक्रिया। फिर से एक मेरे दोस्त का मैसेज आया है, जो लिखते हैं कि हेलो ब्रो, आप ठीक है ना, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप एक शायरी सुना दीजिएगा प्लीज। मैं सत्यम फ्रॉम बैरगिनिया से। जरूर सत्यम भाई, आपके लिए तो मेरा दिल और सभी दोस्तों के लिए मेरा दिल हमेशा यही चाहत भरी अंदाजों में झूमता रहता है मेरे दोस्त। कि चाहत है मेरे भाई, दिल से सुनिएगा। चाहते हैं जो हद से ज़्यादा किसी को, चाहते हैं जो हद से ज़्यादा किसी को, वही तो सबसे ज़्यादा तकरार करते हैं मेरे दोस्तों। चाहते हैं जो हद से ज़्यादा किसी को, वही तो सबसे ज़्यादा तकरार करते हैं मेरे दोस्तों। करो ना फिक्र अगर वो नाराज़ हो जाए, करो ना फिक्र अगर वो नाराज़ हो जाए, नाराज होते हैं वही जो सबसे ज़्यादा सत्यम भाई मोहब्बत करते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके ज़िंदगी में कोई भी जिंदगानी आया होगा, अगर वो आपसे मोहब्बत करती है और बार बार रूठ जाती है, तो पगली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और कैसे करती है, ज़रा इन ठुमका की आप लोग ज़रूर सुनिए। सुन रहे थे क्योंकि मीठा सा धुन सभी के दिलों में नहीं बेकाबू में हो जाते हैं। कैसी ताकती है वो अपने चेहरे से जो मेरे दिल में छा जाती है, कैसी नज़र से ताकती है वो मेरे दिलों में जो मेरे दिल में वो छा जाती है, ऐसी डगर मगर करती है वो लड़की जो मेरे दिल को भा जाती है। जी हाँ मेरे दोस्तों, कांच की तरह हमेशा लटकती रहती हो, कांच के शीशे की तरह वो हमेशा फूटती रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी दिल, उसकी मुस्कान, उनकी बातें इतना खूबसूरत है मेरे दोस्त, कि लगता है ऐसा चांदनी रात में कभी कभी सूर्य भगवान उग गया हो मेरे यारों। क्योंकि जब भी वो मेरे कैमरे में नहीं मेरे दोस्त, कमरे में आती है, तो ऐसा लगता है कि कोई उजाला आ गया हो। वो जब मुझे बात करती है मुझसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे तंग करता रहूं और वो मुझे डांटती रहे। जी हाँ मेरे भाई, इसी को मोहब्बत कहते हैं। बहुत ही प्यारा सा मैसेज मेरे पास आ चुके हैं, जो लिखते हैं कि भाई मेरे, मुझे और मेरे एक गर्लफ्रेंड के लिए आप एक शायरी प्लीज़ सुना दीजिएगा। चलिए आशिक भाई, मैं ज़रूर सुना दूंगा। और
दिल से सुनिए, क्योंकि आप उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। तो कि कहते हैं ना मेरे भाई, तेरी चाहत अब मेरी आँखों में है, तेरी चाहत अब मेरी आँखों में है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में है रे पगली, तेरी चाहत अब मेरी आँखों में है, तेरी खुशबू मेरी सांसों में है, मेरे दिल को जो घायल कर जाए ऐसी अदा सिर्फ तेरी बातों में है। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा मैसेज फिर से मेरे पास आए हैं, जो लिखते हैं कि हाय कुमार भाई, सीतामढ़ी गिसारा से संतोष भाई। चलिए संतोष जी, आपने मैसेज किए, तहदिल से शुक्रिया मेरे भाई। फिर से एक भाई का मैसेज आया है, लिखते हैं कि मतलब के लोग, ये मतलबी जो होते हैं, अमन आपका ऐसा ही, मेरे दोस्त इतना ही भाइयों से मैं कहना चाहूँगा, जो आप लोग मैसेज करते हैं बहुत ज़्यादा डॉट दे देते हैं, कोई भी मैसेज टाइप कीजिए जो अच्छा लगा हो पढ़ने में। मेरे दोस्तों बहुत ऐसे मेरे प्यारे 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 भाई हैं जो मैसेज करते हैं, उनके मैसेज पर मैं जब ताकता हूँ तो लगता है मेरी आँखों में गिर गया हो उनकी मैसेज। इस तरह से मैसेज कीजिए जो मेरे दिल को भा जाए। मेरे दोस्तों अगर आप लोग व्हाट्सअप चलाते हैं और सब भाई चलाते हैं, तो व्हाट्सअप भी आप लोग हिंदी में लिखकर भेज सकते हैं। अगर अंग्रेजी में टाइप करने में आपको डिस्टर्बेंस होता है मेरे दोस्तों, तो कहते हैं ना कि पता है आपसे बात करने के बाद ऐसा सुकून मिलता है, कि पता है आपसे बात करने के बाद ऐसा सुकून मिलता है कि लगता है जैसे दुनिया की सारी खुशी मिल गई हो रे पागल। जी हाँ मेरे भाई, बहुत ही प्यारा सा मैसेज फिर से मेरे पास आया है, जो लिखते हैं कि हाय कुमार भाई, कैसे हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ मेरे दोस्त, आप सभी भाइयों का दुआ है, प्यार है और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आगे लिखते हैं कि मैं मुकेश कुमार फ्रॉम सीतामढ़ी से। चलिए मुकेश भाई आगे लिखते हैं कि मुझे एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिएगा, जो मैं सुनाना चाहता हूँ सबसे पहले आपको, और मैं अपने दोस्त सोनू मोनू मुन्ना, क्या बात है। चलिए मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनाते हैं आप सभी भाइयों को। बहुत ही छिछोरापन वाले सॉन्ग है मेरे दोस्तों, और छिछोरापन किसे कहते हैं कि जब अपने गर्लफ्रेंड को कभी कभी आप लोग तंग करते हैं, अपनी महफिल वाली को, अपने जिनसे मोहब्बत आप लोग करते हैं, उन्हें कभी कभी आप लोग तंग करने लगते हैं कि सुना ना, जब मैं तुम्हें छूती हूँ, नहीं छूता हूँ, जब मैं तुम्हें छूता हूँ तो तुम्हें क्या हो जाता है, मेरे दिल की बात तुम समझ नहीं पाती हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, ऐसा लगता है जब तुमसे बात नहीं कर पाता हूँ तो लगता है रात को नींद उड़ ही गया हो। रात में खाना तो खा लेता हूँ लेकिन पेट नहीं भर पाता है। इसी टाइप के जब उन्हें तंग करते हैं कुछ कुछ दिल की बात जो आते हैं, और बड़े प्यार से कभी कभी वो लड़की दिल की बात मुस्कुरा के कह जाती है, और बड़े प्यार से कहती कि छिछोरे चुप हो जा। तो उसी टाइप के वाले सॉन्ग हैं, दिल से सुनी और एंजॉय कीजिए। पहले हाथ तुमने रखा और दोष मुझे दे रही हो क्या? ऐसा सॉन्ग था जी हाँ मेरे दोस्त, जो दिल की खुशी का ठिकाना नहीं था आप सभी भाइयों का। होता है मेरे दोस्तों कि जब जब बदरा बरती है ना, कि जब जब मेरे दोस्त बदरा बरसती है तो मेंढक बहुत ज़्यादा उछलता है, क्योंकि उन्हें पानी मिलता है पीने के लिए, कुदूकने के लिए, टर टर की आवाज़ बोलने के लिए।
मेरे दोस्त, नजरों का क्या कसूर जो दिल लगी तुमसे हो गई हो, नजरों का क्या कसूर जो दिल लगी तुमसे हो गई हो। तुम ही हो इतने प्यारे कि मोहब्बत तुमसे हो गई हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक लेने का टाइम हो चुका है, तो ब्रेक के बाद आप सभी भाइयों के साथ मैं फिर से जुड़ूंगा पुरानी यादें के साथ। तब तक आप लोग फटाफट मैसेज कीजिए 80 51 67 02 11 पे, और ख़ास करके अगर आप लोग व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप के लिए 84 34 27 80 94 मेरे दोस्तों। हाँ हाँ, मिलते हैं। आप चाहते हैं अपने प्रोडक्ट्स को फेमस करना, उसका एडवर्टीजमेंट कराना, तो रेडियो रॉक में एडवर्टीजमेंट के लिए संपर्क करें 9334913699 और 9470433333। अगर आप चाहते हैं अपनी आवाज़ को एक अलग पहचान देना, अपनी आवाज़ में ऑडियो वीडियो एल्बम बनवाना, तो आपके लिए रॉक म्यूजिक लेकर आया है सुनहरा अवसर, जिसमें ऑडियो वीडियो रिलीज करने के साथ प्रमोशन भी किया जाता है। संपर्क करें रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन, यूबी टावर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, बिहार। कॉन्टैक्ट 7481905698 या हमें व्हाट्सएप करें 9470433333। रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, आपके टैलेंट की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर ROC टैलेंट जंक्शन यानी रॉक टैलेंट जंक्शन पर पहुंच चुकी है। जी हां, रॉक मेगा एंटरटेनमेंट एंड प्रमोशंस अ यूनिट ऑफ पीवी मीडिया वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं रॉक टैलेंट जंक्शन, जहां आपके टैलेंट को मिलेगा एक नया आयाम। साथ ही आपको मार्गदर्शन देंगे बॉलीवुड के और संगीत जगत के जाने माने दिग्गज, वर्कशॉप, क्रैश कोर्सेज फॉर डांसिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लर्निंग, एंकरिंग, मल्टीमीडिया, स्केचिंग, वॉइस ट्रेनिंग एंड स्क्रिप्टिंग। 3 साल से 20 साल के ऊपर तक के बच्चों के लिए टैलेंट का नया जंक्शन रॉक टैलेंट जंक्शन, जहाँ है 100% प्लेसमेंट की गारंटी, साथ ही टैलेंटेड कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप की सुविधा। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 7481905700 and 7481905701 एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट 5th floor यूबी टावर, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, बिहार। और कॉल 9470-433-33-993-491-3699 and 700-4434-699। Rock Mega Entertainment and Promotions presents Rock Talent Junction. आप सुन रहे हैं Radio Rock 94.2 FM. सुनो दिल की। जी हाँ मेरे दोस्तों, आप सभी भाइयों के दिल में फिर से मैं एक बार उपस्थित हो चुका हूँ, लेकिन हाँ ये दूसरा नहीं मेरे भाई, हमेशा चलता ही रहता है, क्योंकि मैं कभी कभी जोड़ता हूँ और बार बार जोड़ता ही रहता हूँ मेरे दोस्तों। बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम के मजे ले रहे हैं आप लोग उस तकिए के नीचे सोकर मेरे दोस्तों। कोई भाई होंगे जगे हुए और कोई भाई ऐसे होंगे जो अभी तक खाने भी कहीं नहीं खाए होंगे मेरे भाई, पढ़ाई करते होंगे या मेरी चाहत भरी अंदाज सुनते होंगे कि कहते हैं ना मेरे भाई कि तुम दूर रहो या पास, तुम दूर रहो या पास, बस अपनी सलामती बताया करो। जब भी नजरें ढूंढे तुम्हें तो तुम ऑनलाइन आ जाया करो। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा प्यारा मैसेज मेरे पास उपस्थित हो चुके हैं, उस मैसेज को मैं पढ़ता हूँ। और बहुत ही प्यारे मैसेज हैं कि मेरे भाई, आप सभी दोस्त अगर मेरी आवाज़ों के साथ कार्यक्रम पुरानी यादें के साथ जुड़े हुए हैं तो फटाफट मैसेज किया कीजिए, क्योंकि आपकी मैसेज का और आपका मैसेज का इस कुमार भूषण को इंतज़ार है मेरे दोस्तों। और इंतज़ार उन्हीं का करता है जिन्हें लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। जी हाँ मेरे भाई, लिखते हैं मेरे दोस्त, और क्या लिखते हैं कि मुमकिन नहीं अब तुझे भूल पाना,
मुमकिन नहीं अब तुझे भूल पाना, तेरे इश्क की चाहत अब मेरी मौत के साथ ही खत्म होगी। क्या बात है। हाय कुमार जी, मैं कुमकुम कुमारी फ्रॉम सीतामढ़ी से। चलिए कुमकुम जी, आपकी शायरी मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। आगे लिखते हैं कि आपका खाना पीना हो चुका है अभी तत्काल, दिल से हो चुका है आज के दिन में। आगे लिखते हैं कि कुमार जी, जब भी आप मुस्कुराते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे मुस्कान से प्यार करने वाले कुमकुम जी, और जब भी आपकी मैसेज आती है तो मैं भी थोड़ा मुस्कुरा लेता हूँ। जी हाँ, मैसेज करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। ना कोई किसी से दूर, ना कोई किसी से दूर और ना ही किसी के करीब होता है, प्यार चलकर खुद आता है जब कोई किसी का नसीब होता है। तो आप जैसे दोस्त जो प्यार करते हैं कुमार भूषण से, ऐसा लगता है कि कोई मेरी ज़िंदगी में एक तोहफा बनकर आया है। मैं जो कुछ बोलते रहता हूँ तो क्या कहूँ, दिल की बात समझ नहीं आता है कि जब किसी का लव शुरुआत होता है मोहब्बत से। मेरे दोस्तों, कोई मेरे भाई थोड़े काले होते हैं तो उन्हें लोग हंसने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोच पाता काले का दिल बहुत ही प्यारा सा होता है, बहुत ही नादान सा होता है, लोग उन्हें मजाक उड़ाते। जब भी किसी की यादें इतनी सी प्यारे होते हैं, इतना मीठा होता है, मेरे दोस्तों कुमार भूषण उन्हीं से प्यार करते हैं कि ना हम तुम्हें खोना चाहते हैं और ना तुम्हारी यादों में रोना चाहते हैं। जब तक है जिंदगी बस तुम्हारे साथ होना चाहते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही प्यारी सी मैसेज जो मेरे पास आ चुके हैं, मैं पढ़ता हूँ, आप लोग दिल से सुनिएगा। क्या लिखते हैं मेरे दोस्तों कि आंखों की सजा तब तक है, आंखों की सजा तब तक है जब तक दिलदार ना हो जाए, दिल की सजा तब तक है जब तक प्यार ना हो जाए। ये जिंदगी भी एक सजा है भाई मेरे दोस्त, जब तक आप जैसे कोई यार ना हो जाए। हेलो भूषण जी, कैसे हैं आप? मैं आपका प्रोग्राम दिल से सुन रहा हूँ, तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्त। लेकिन जब आप लोग मैसेज करते हैं तो अपना नाम ज़रूर लिखा कीजिए। चलिए, बहुत ही प्यारी सी मैसेज फिर से मेरे पास आया है। अच्छा, नंदन जी थे आप। चलिए, मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। और ऐसा ही फिर से एक प्यारा सा मैसेज जो मेरे पास आए हैं, जो लिखते हैं कि लव यू भाई। आप ऐसे ही बात बोलते हैं कि हम लोगों के दिल ही जीत लेते हैं। आसिक सा तकवा बैरगिनिया से। चलिए आसिक भाई, मैसेज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, क्योंकि जो आप जैसे जिन्हें और आप जैसे दोस्त जिनके पास हो, क्या कहूँ, उनका दिल तो हमेशा खुश ही हो जाता है और उनके प्यारे से मुस्कान हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जी हाँ मेरे भाइयों, बहुत ही देर से एक प्यारे से दोस्त का मैसेज आ चुके हैं, जो लिखते हैं और बोलते हैं कि हेलो कुमार भाई, कि जो पुलवामा अटैक हुआ उन शहीदों के लिए आप एक शायरी बोल दीजिएगा। ज़रूर मेरे दोस्तों, क्या कहूँ मेरे भाई, मैं सोच रहा था कि इस रात में उनकी याद ना कर पाऊँ, लेकिन आपने उनका याद दिलाकर थोड़ा मेरे दिल को गीला कर दिया मेरे दोस्त, आँख को थोड़ा आँखें में नमी आ जाती है उस सब बातें को सुनकर। मेरा दिल जो है ना मेरे भाई, बहुत ही पतला सा है ये पागल, थोड़ा सा भी कुछ सुनने के बाद ये रोने लगता है, कभी कहीं पर जाता है तो धक धक करने लगता है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप अपने दिल की बातें से ऐसा मुझे बन, उस ऊपर वाले के जब आप लोग द्वार पे जाते हैं
क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि उस भोले के नाथ के द्वार पे जाऊं और कुछ मांगूं उनसे। जितना भी दोस्त, अगर आप लोग लड़कियां लोग पूजा करते हैं ऊपर वाले से, उस अल्लाह से कुछ मांगते हैं, उस भोलेनाथ से कुछ मांगते हैं, आप सभी दोस्तों से मैं कहता हूँ, अगर कुछ भी मांगिएगा तो मेरे लिए थोड़ा ज़रूर मांगिएगा उस बाबा से। हाँ, लेकिन जब भी मुझे भी टाइम मिले तो आप सभी दोस्तों के लिए मैं भी ज़रूर कुछ मांगूंगा। जी हाँ मेरे भाई, इतना ही कहना चाहेंगे पुलवामा अटैक के बारे में मेरे दोस्त, और शायरी सुनना पसंद करेंगे आप। तो इतना ही कहूँगा मैं कि अमन के पुजारी अमन बेच देंगे और वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। अमन की पुजारी अमन बेच देंगे मेरे दोस्तों, और वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। जब मिलेगा नहीं कुछ बेचने के लिए मेरे दोस्त, तो एक कब्र खोद कर एक कफन बेच देंगे। जी हाँ मेरे दोस्तों, इतना ही कहना चाहूँगा। फिर से एक प्यारा सा मैसेज जो मेरे पास आ चुके हैं, उन मैसेज को मैं फिर से पढ़ता हूँ दिल से। आप लोग सुनिएगा और दिल से एंजॉय कीजिएगा मेरे भाई। कि कहते हैं कि जी करता है तेरे पास आऊँ, तेरे पास आके रुक जाऊँ, ना बैठूँ ना बोलूँ, बस तेरी इन प्यारी सी आँखों में कहीं मैं खो जाऊँ। जी हाँ, पूनम कुमारी फ्रॉम रीगा शेर बटोला से, क्या बात है कि हाय कुमार जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। आगे लिखते हैं कि कुमार जी, दिल तो करता है तेरे मैं पास आ जाऊँ कौन कहता है कि मुझे और मेरे पास आप मत आइए। जब आपका मैसेज आता है तो मेरा दिल आपके पास चले जाता है और आपका दिल मेरे पास आ जाता है पूनम जी। आगे लिखते हैं कि कुमार जी, कभी हम लोगों के छोड़ के मत जाइएगा आप, क्योंकि मैं आपके प्रोग्राम का कार्यक्रम का बहुत बड़ी फैन हूँ। दिल से भोजपुरी का भी और पुरानी यादें का भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका आवाज़, दिल खुश हो जाता है। तहे दिल से शुक्रिया पूनम जी। आगे लिखते हैं कि बहुत ही प्यारा सा गाना सुना दीजिएगा मुझे, और सुनानी चाहती हूँ मैं सबसे पहले प्यारे दोस्त कुमार जी को, क्या बात है। आगे मेरे एक छोटी सी बहन है जिनका नाम है सोनी, उनको मैं सुनाना चाहती हूँ। तहे दिल से शुक्रिया मैसेज करने के लिए पूनम जी। बहुत ही प्यारा सा मैसेज फिर से मेरे पास आए हैं, जो लिखते हैं कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, क्या बात है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कुमार जी, सच में आप ऐसा ही हो क्या? क्या बात है मेरे दोस्त। छोटू कुमार फ्रॉम खैरवा से लिखते हैं कि कुमार जी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है आपका कार्यक्रम, दिल खुश हो जाता है। चलिए मेरे भाई, मैसेज करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जब इस दुनिया में आए हो तो प्यार मोहब्बत जब दिल से करते हो तो कभी किसी से मत डरना मेरे दोस्त। मोहब्बत करने वाले डरते हैं ना, तो मोहब्बत नहीं कर पाता मेरे दोस्त। मोहब्बत दिल से करना तो खुदा भी और ऊपर वाले भी तुम्हें मिलाने का दिल से चाहेगा मेरे दोस्त। इतना ही कहना चाहेंगे। दिल से सुनना, बहुत ही प्यारा सा मुस्कान भरी यह सॉन्ग है कि प्यार किया तो डरना क्या, तो डरना क्या। बहुत ही प्यारे से मुस्कान के मज़े ले रहे हैं। लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा आप सभी भाइयों को कि सोने के नहीं जाने की समय हो चुकी है, आप सभी दोस्तों से छूटने की समय हो चुकी है। कि जिस प्यार से तूने सवारी जिंदगी मेरी दोस्तों, कि जिस प्यार से, कि तेरे प्यार को तेरी चाहत को सलाम, तेरे प्यार को तेरे चाहत तो सलाम, कदमे को तेरी तेरी आहट को सलाम। जिस प्यार से तूने सवारी जिंदगी मेरी, ए मेरे यार, तेरे इस इनायत को सलाम। जी हाँ मेरे दोस्त, आप लोग बने हुए हैं ओनली ऑन रेडियो ऑफ 94.2 FM के साथ। बहुत ही प्यारा सा कार्यक्रम के मज़े ले रहे हैं पुरानी यादें के। जी हाँ मेरे दोस्तों, यादें तो यादें होती हैं, सभी भाई की यादें होती हैं। जो कभी दिल से ना मिले तो धड़कन रुक जाती है मेरे दोस्तों।
कि कब तक ताले लगा कर रखोगी दिल के दरवाजे पे, कब तक ताले लगा कर रखोगी दिल के दरवाजे पे, आज नहीं तो कल मेरा प्यार मजबूर कर ही देगा रे पगली। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, ऐसा ही आप लोग बने रहिए बहुत ही मीठी सी कार्यक्रम पुरानी यादें के साथ। फिर कल रात को इसी टाइम और इसी समय में आपका भाई कुमार भूषण, जिन्हें मोहब्बत के साथ सुनते हैं सब दिन 10 से 11 जरूर मिलेंगे। तो आप सभी भाइयों से मैं विदा लेना चाहूँगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, एक बार तो मुझे सीने से लगा ले, अपने दिल के भी अरमान सजा ले। एक बार तो मुझे सीने से लगा ले, अपने दिल के भी अरमान सजा ले। कब से तरप, कब से है तरप तुझे अपने बनाने की, आज तो मौका है मुझे अपने पास बुला ले। जी हाँ मेरे भाइयों, इंतजार रहेगा आपका और मुझे जाने का। तो जी हाँ, सभी दोस्तों को मैं इस्तकबाल करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जाते जाते रात बहुत ही अच्छी हो इसलिए मैं गुड नाइट कहता हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, और लिसनिंग टू रेडियो रॉक 94.2 FM के साथ आप लोग बने रहिए। तब तक मिलो ना तुम तो हमें घबराई जैसे दिल कहता है, यही गाने की छोर है और यही गाने की बोल है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए और अपने भाई को विदा दीजिए। बाय बाय, शुभ रात्रि, जय मां शारदे।